हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर निशा नागपाल और आपका मेरे चैनल हेल्दी स्माइल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मुंह में सफेद दाग या सफेद धब्बे या वाइट पैचेस हो जाना, जो हमारे मुंह के अंदर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं और वो किस कारण की वजह से होते हैं, हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए उसको ना होने के लिए और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, जो ये वाइट पैचेस, ये वाइट धब्बे या वाइट दाग कुछ आपके मुंह में है, उसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये हम टर्म जो है ल्यूकोप्लेकिया, इसके लिए यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये व्हाइट पैचेस, ये व्हाइट दाग, ये धब्बा आपके मुंह में है, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए, हमारे मुंह के अंदर ये टंग पर भी हो सकते हैं, साइड ऑफ टंग पर भी हो सकते हैं, ये हमारे अंदर वाली गाल जो होता है बक्कल म्यूकोसा, वहां हो सकता है, हमारे लिप्स के कॉर्नर्स में भी हो सकते हैं, हमारे गम्स पे भी हो सकते हैं। तो ये व्हाइट पैच जो होता है हमारा, इन इन जगहों पर हमको दिख सकता है। अब ये हमारा जो होता है रिंकल्ड होगा, व्हाइट कलर का आपको पैच दिखेगा। बट मैं आपको पहले बता दूं, देखिए हर सफेद दाग आप ल्यूकोप्लेकिया नहीं बोल सकते। हमारे मुंह में ऐसे बहुत से ऐसे कुछ और भी हमारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से भी व्हाइट पैच पड़ जाता है, बट आपको हर सफेद दाग को, हर व्हाइट पैच को अपने मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया नहीं समझना है। बट यहाँ हम वीडियो में कुछ ल्यूकोप्लेकिया के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसका एक अलग से एक फीचर होता है, वो होता है कि इसको अगर हम स्क्रेप करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हटता है, ये स्क्रेप नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस कारण की वजह से होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप कोई टबैको का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ टबैको, चाहे वो गुटखा हो, सुपारी हो, तंबाकू हो, एनी फॉर्म ऑफ टबैको अगर आप यूज करते हैं, स्मोकिंग हो, अगर आप सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये एक मेन रीजन होता है ल्यूकोप्लेकिया का। जो लोग जो है तंबाकू खाते हैं, उन्हें आदत होती है कहीं पर रखने की, जैसे टंग के नीचे या फिर गाल के साइड में दबा के रखने की, वहां पर भी जो है ल्यूकोप्लेकिया देखा गया है। उसको जनरली हम टबैको पाउच केराटोसिस बोलते हैं। व्हाइट कलर का सफेद दाग वहां पे पड़ना शुरू हो जाता है। एंड एल्कोहल, अगर कोई बहुत एल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा उसका कंजप्शन है, तो इसमें भी देख सकते हैं। दूसरे कॉज पे चलते हैं। अब कई लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है और वो बोलते हैं कि हम इस तरह की कोई भी हमारे में हैबिट नहीं है, बट फिर भी हो गया है, तो उस केस में मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप डेंचर पहन रहे हैं, कोई इल फिटिंग डेंचर है जो आपको मुंह में इरिटेट कर रहा है बार बार एक जगह पर, इसके कारण, या फिर आपके मुंह में कोई शार्प टीथ है, कोई शार्प एज है, आपने क्राउन पहना हुआ, कैप पहना हुआ है, उसका कोई शार्प जो है आपको कोना बार बार चुभ रहा है किसी एक जगह पे, बार बार वहां पे ट्रॉमा कॉज कर रखा है, करता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो देखा गया है जो ल्यूकोप्लेकिया को कॉज भी करते हैं। एक HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी एक रीजन है, कॉज है एक ल्यूकोप्लेकिया कॉज करने का। हमने कारणों के बारे में जान लिया। तो देखिए, ये हमारा जो ल्यूकोप्लेकिया होता है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो अगर ये हमारा जैसे कि स्टार्टिंग में आपको ये कुछ ग्रे कलर का नजर आएगा, और कई लोग जो है वो स्टार्टिंग में ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, बट धीरे धीरे जो है ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना शुरू होता है और प्रॉपर एक पैच बनना शुरू हो जाता है, और अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ा भी हो जाता है पैच। तो इसमें जो है कई स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस भी होते हैं, बाद में नोडुलर में भी हो जाता है। तो ये तो काफी डिटेल में बात हो गई। तो आगे बात करते हैं कि जो मेन जो सवाल होता है, वो लोग पूछते हैं कि क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या ये कैंसर है, अब हमारे मुंह में कैंसर हो गया है। बहुत लोग डर जाते हैं ऐसे वाइट पैच को देख के। तो देखिए, ल्यूकोप्लेकिया जनरली कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, बट
अगर आप इसको सही समय पे ठीक करा ले, जो जो है इसको बढ़ने ना दे, इसको इसका सही ट्रीटमेंट ले ले सही टाइम पर, तब ठीक है। बट अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये पैच बढ़ता जा रहा है फिर भी ध्यान नहीं दे रहा, धीरे धीरे इसमें बर्निंग सेंसेशन पेन होना शुरू हो जाए और अगर ये लीजन रेड लीजन में कन्वर्ट हो जाए तो चांसेस हो सकते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। बट उसके लिए प्रॉपर एक बायोप्सी कराई जाती है कि क्या ये कैंसर लीजन है या नहीं। बट आपको इतना लेट स्टेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको इसको स्टार्टिंग में ही ठीक करा लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके ट्रीटमेंट में जो भी आपकी हैबिट है उसको आपको बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। चाहे आप टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल स्टॉप करनी पड़ेगी। नहीं, जो अदर कॉजेज बताए हैं उनको आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको ठीक कराना पड़ेगा, उन कॉजेज को जो आपको ये ल्यूकोप्लेकिया कॉज कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आए तो सबसे पहले जो है आपको इधर इसमें रिच डाइट लेनी पड़ती है, रिच न्यूट्रिशनल डाइट। आपको अच्छी डाइट लेनी है, ताज़े फल खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, सीजन की वेजिटेबल्स खानी है और सीजन के फ्रूट्स खाने हैं आपको। तो इसका मतलब आपको डाइट अच्छी लेनी है। और दूसरा, जब हम मेडिसिन में आते हैं तो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स देते हैं पेशेंट को और स्टीरॉयड्स भी देते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है, अगर आपकी जो स्टेज है वो सर्जरी तक पहुंच गई है तो सर्जरी भी होती है। तो दो तरह की सर्जरी करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकॉटरी सर्जरी होती है और एक लेजर। तो अगर छोटे में समझे जाए तो ये है कि जो बैच है वहां से कट करके इसको हटा दिया जाता है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट की बात हो गई है। तो मैं आपको अब एंड में जरूर ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके मुंह में कुछ इस तरह से है जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप जो है अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जरूर जाए और चेक जरूर कराए। खुद अपनी कंफ्यूजन में ना आए कि हमें ये, खुद डायग्नोस ना करें कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो उसके पास जाए और जरूर एक बार चेक जरूर कराएं। आज की वीडियो बस यहीं तक ही थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।